गिरगांव के गणपति के दर्शन होने के बाद हम लोग सीधा आ चुके हैं खेतवाड़ी के गणपति दर्शन के लिए। तो यानी कि इतना क्राउड है और इतनी गर्दी है, तो हम लोग अभी आ चुके हैं सीधा तेरहवीं गली गणपति दर्शन के लिए। तो ये है तेरहवीं गली गणपति। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अंदर कोई भी भीड़ नहीं है, और फिर भी यहाँ पे लाइन पूरा रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने अंदर देखा कोई भी क्राउड नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लाइन यहाँ पे रोक के रखा है इन्होंने। तो दोस्तों ये बारहवीं गली का गणपति, आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे। तो ग्यारहवीं गली में हम लोग आ चुके हैं, और आप देख सकते हो गणपति कितना बड़ा है। शायद ये हमारे लिस्ट में सबसे ऊंचा गणपति हो सकता है, यानी कि सबसे लंबा गणपति। तो दोस्तों ये ग्यारहवीं गली का गणपति है, और यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो ग्यारहवीं गली के गणपति की। अंदर तो पूरा क्राउड नहीं है, बट बाहर आप देख सकते हो पूरा क्राउड है, और यहाँ पे 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ लेके ये लोग अंदर छोड़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग एक एक घंटे आधे आधे घंटे से खड़े, बट अंदर पूरा खाली है। तो ये लाइन अभी तक चली रही है, देख सकते हो आप वीडियो में। तो दोस्तों ये दसवीं गली का गणपति, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं भी समुद्र मंथन की थी मैं। गणेश भक्त इतना दूर से आते हैं हमारा घर भी छोड़ के गणेश गणपति के दर्शन करने, और यहाँ पे अच्छे फैन लगाए ठंडा ठंडा हवा लेने के लिए, ताकि हम दर्शन करते करते ठंडे हो जाए। तो ये बहुत अच्छी सुविधा। तो दसवीं गली का मेन गणपति करने के बाद आप आ चुके हो यहाँ पे हम लोग दसवीं गली का क्रॉस लेन गणपति के दर्शन करने। तो दसवीं गली के गणपति के लिए आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे आपके। Thank you.
बारिश के लिए रुका मैं। तो खेतवाड़ी सातवीं गली का आप देख सकते हो, तो ये खेतवाड़ी सातवीं गली। खेतवाड़ी सातवीं गली सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल खेतवाड़ी का लंबोदर यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मुंबई के महागणपति यानी कि चिंतामणि गणपति में हम लोग की एंट्री होते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि मेला चल रहा है और ये सारे सुबह के 6 बजे चिंतामणि के दर्शन करने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। चलो